125 ग्राम घी ले ले, इस तरीके से फेंट दिया जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के, थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाए, इस तरीके से फेंट दिया जाए, क्योंकि ये फूलने लग जाएगा। फूलने लग जाएगा जो पानी मिला होगा, अपने नूने घी किस तरह हो जाएगा। ये देखो पानी मिला के फेंट दिया जा रहा है। ये तैयार होने पर आ चुका है। अब इसमें मैदा मिलाई जाएगी। इसमें 1 किलो मैदा डाली जाएगी। एक किलो मैदा डालने के बाद में अगर आपको दूध कम बनाना है तो 1 किलो मैदा में मिनिमम 1.5 किलो या 1.5-2 किलो दूध ले लिया जाए। अगर आपको पानी का बनाना है तो इसमें पानी डालो, दूध मत डालो। और इस तरीके से मिलाया जाए, गोल में मसूरी ना रहनी पाए। इस तरीके से दिया जाए, थोड़ा थोड़ा पानी या दूध मिला के रद्दा, ताकि मसूरी न पड़ने पाए। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इस तरीके से मथा जाए। ये गोल हो गई है तैयार अपनी। अब इसको बोतल पहले तो छनाक आएगी अपने आटा छानने की छालनी से, फिर आटा छानने की छालनी से छनाक आके फिर ये बोतलों में भराग आएगी। ये देखो अभी अच्छा ना कर रही है। अभी बोतलों में भर के फिर ये डायरेक्ट चौपड़ ओपड़ हमारा गर्म हो चुका है, तो हम डायरेक्ट पावर देंगे। तो ये हमारी गोल छन चुकी है, बोतलों में भी भर चुकी है। अगली गोल तुमको कढ़ाई की ओर ले चलते, इस तरीके से पाव देना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पाव देते रहना है। ये इनों के उस्ताद है दोनों के। ये हमारे राजूल भाई है। इसमें चौपड़ भरा ले, फिर वो क्या है कि सीखने में कोई परेशानी ना होगी।
ये हमारे कृष्ण हलवाई है। धीरे धीरे जगह छोड़ने लगा, चौपड़ बढ़ा दो। चौपड़ बढ़ाने के बाद के बाद जगह छोड़ने लगेगा, जाता है ना जगह लग जाए, निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये थे घेवर मनाने की विधि, सब भाइयों को पसंद आई होगी, इसलिए तरीका पसंद आया तो शेयर करना अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास में, लाइक करना।